शाइन सिटी के दो डायरेक्टर समेत तीन ईडी की कस्टडी रिमांड में। शाइन सिटी ग्रुप का डायरेक्टर आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और अमिताभ की पत्नी मीरा आज से 7 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। ईडी तीनों से 16 अप्रैल तक पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाइन सिटी ग्रुप से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इन पर निवेशकों के करीब 60,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। शाइन सिटी ग्रुप पर देश में 400 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। निवेशकों से ठगी के मामले में रकम को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने पर पूछताछ होनी है। आसिफ नसीम शाइन सिटी ग्रुप की 20 कंपनियों में डायरेक्टर था। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। अयोध्या से खबर, रामलला को सोने की रामायण समर्पित की गई है। मध्य प्रदेश केरल के पूर्व आईपीएस ऑफिसर है सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने राम मंदिर में सोने की रामायण भेंट की है। सोने की रामायण में तांबे से प्रत्येक प्रश्न बने हुए हैं और जिस पर रामचरितमानस के श्लोक अंकित हैं। 10,902 छंद वाले महाकाव्य के हर पन्ने पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है। लगभग 480 से 500 पन्ने की सोने की रामायण है ये, जिसे करीब 4 किलो सोने से तैयार किया गया है। सोने के साथ ही इसमें तांबे का इस्तेमाल भी हुआ है। बताया जा रहा है कि ये स्वर्ण रामायण लगभग 1.5 क्विंटल की है। चैत्र नवरात्र के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिरों में इस समय आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज नवरात्र का दूसरा दिन, नवरात्र के दूसरे दिन आज ब्रह्मचारिणी के माँ स्वरूप की आराधना की जा रही है। प्रयागराज में स्थित 52 शक्तिपीठों में से एक है शक्तिपीठ अलोप शंकरी देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। उधर बिजनौर में होटल मालिक को दबंगों से खाने के पैसे मांगने महंगे पड़ गए। दबंगों ने होटल मालिक को जमकर पीटा, कर्मचारियों को भी पीटा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच में जुटी है। 8 बजे ढाबा शिखरी परिसर थाना क्षेत्र अफजलगढ़ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खाना खाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट करने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुई थी। इस संबंध में बादी श्री उमेश गुप्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त गणों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में लोन की किस्त जमा न करने पर फाइनेंस कर्मियों के द्वारा 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया था। इस मामले में कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस ने 3 अन्य फाइनेंस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। 3 अप्रैल को आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लोन की किस्त न देने पर 2 फाइनेंस कर्मियों ने गाँव के ही 2 लोगों पर चाकू से हमला किया था। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड कंपनी के 5 व्यक्ति किश्त लेने गांव गए थे, जहां उनका वाद विवाद हो गया और उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। मजरूहों को तत्काल उपचार हेतु SN मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, जहां पर दोनों उपचाराधीन हैं। वादी अंकित नायर की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम थोड़े से ब्रेक लिया, रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।